हथियार चलाने का कारण जायज होना चाहिए है। ये डायलॉग है एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी तूफांग दा, जो आजकल धमाल मचा रही है। तूफांग दी स्टोरी शुरू होती है गन हाउस के मालिक गुरी नाल, जिंदे कोल हथियार तो बहु है पर उसनों पता नहीं हैगा कि ये कदे काम भी आऊगा या नहीं। तो दूजी तरफ है रुखसार, जिंदे पास गन तो नहीं हैगी पर गन नाल प्यार बहुत है। दोनों एक दूजे नाल मिलते ने ते रिश्ते नू आगे बढ़ाते ने, पर रिश्ते दे पहले कुछ शर्तां रखियां जांदियां ने ते उही शर्तां फिल्म नू वक्त ट्विस्ट देंदियां ने ते दर्शकां नू लास्ट तक बांधे रखदियां ने। ते लास्ट जो जगजीत संधू दा ट्विस्ट आंदा है तब तक मजा ही आ जांदा है। डायरेक्टर धीरज केदार रतन ने फिल्म में सभी करैक्टरां दे नाल पूरा न्याय कीता है। फिल्म में फीमेल करैक्टर काफ़ी दमदार ने। ये फिल्म हीरो और हीरोइन नू बराबर दा स्क्रीन टाइम देंदी है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल हीरो दे ऊपर ही पूरी फिल्म घूमदी है, दोनों दा टक्कर दा किरदार है। गुरी ते रुखसार दोनों दी एक्टिंग बहुत चंगी है। गुरी ने अपने किरदार नू एवें निभाया है जिवें सच में ये स्टोरी उन्हीं लई रखी गई होवे। ते साथ ही रुखसार ढिल्लो काफ़ी कॉन्फिडेंट सी। इन्हां दी केमिस्ट्री बड़ी चंगी लग रही है। जगजीत सिंह सिद्धू की एक्टिंग मूवी में सब तो दमदार सी, चाहे उन्हां नू स्क्रीन टाइम कम मिला होवे। इस मूवी विच एक्शन सस्पेंस दे नाल एक प्यारी सी लव स्टोरी भी है। वैसे ये फिल्म तुहानू लास्ट तक बांध के रख दी है, स्टोरी लाइन बड़ा चंगा है। ये फिल्म सच में एक मैसेज भी देंदी है, उसनू वेखण वास्ते तुहानू वेखनी पाओगी मूवी तूफांग।